गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आप सबने मेरे गुड आफ्टरनून के बाद एक आवाज सुनाई दी होगी। मैंने जैसे ही गुड आफ्टरनून बोला तो आपको जो पीछे से गुड आफ्टरनून की आवाज सुनाई दी, ये मेरे परिवार के सदस्य इसमें बैठे हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय कोर्स, मैं अपने कोर्स को शुरू करूं, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल एंड आप सब जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं इस कोर्स का हिस्सा बनाने के लिए बड़ा मतलब अच्छा भी फील कर रहा हूं। और एक बात और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस कोर्स के विद इन 10 डेज क्या होने वाला है, पर उससे पहले आपको क्या करना है। आज आप क्लास में बिल्कुल अगर बिना नोटबुक के हैं, बिना पेन के हैं, तो एक काम करें, कल से ऐसा ना हो। जैसे मेरे परिवार के सभी सदस्य तो ये सब तो किताब के साथ, कॉपी के साथ बैठे हैं, पर आपको भी यही एक छोटी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना, एक सिंगल रुपये भी आपका नहीं लगेगा। बस आपको इसमें क्या करना है अपनी तरफ से योगदान, कि आपको एक नोटबुक लेनी है अच्छी, जिसमें आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाए, लाइनिंग वाली ना हो, घर में छोटे बच्चों की भी वो नोटबुक लगवा दो, क्योंकि ये कोर्स सबके लिए है। इस कोर्स में एक चीज और आपको चाहिएगी, वो है पेन। अच्छा, मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूं, हो सकता है कई बार ऐसा होता है नेटवर्क की प्रॉब्लम से वीडियो बीच में रुक गया, तो कुछ नहीं करना, आपको तुरंत उस वीडियो को वहां से क्विट करके दोबारा से चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लें। अब मैं अपने कोर्स की शुरुआत करता हूं। इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। आपके आसपास कुछ भी इंग्लिश मतलब हिंदी में बोलता है, जो जिसे आप हिंदी में बोलते हो, इस कोर्स के कुछ दिन के बाद आप उन चीजों को इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। कोर्स कहां से शुरू होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। ये मानते हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं जैसे आप परिवार के सभी सदस्यों से मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं ये लेके चल रहा हूं, आपको इंग्लिश नहीं आती, और आप जो मुझे सुन रहे हैं आपको भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंग्लिश नहीं आती, और मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से लीड करना हर एक बच्चे को, तो इस कोर्स को हम जीरो से शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अब मैं दो चीजें आपसे चाहता हूं कि आप इसमें क्या करें। ये जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग है हमारे दिमाग की, मैं इसे कह सकता हूं कि हमारे माइंड की ट्रेनिंग है, और इस दिमाग की ट्रेनिंग में मैं आपसे दो चीजें चाहता हूं। एक तो पहली चीज आपसे जो मैं चाहता हूं वो ये है कि पहली चीज बेटा ध्यान से सुनना, मैं जब कहूंगा कॉपी में लिखने की बात तो लिख भी लेना, आप सब भी ऐसे ही करना। तो उसमें मुझे दो चीजें आपकी चाहिए, एक आपके दिमाग को ट्रेन करने के लिए आपका सुनना, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई बात नहीं जाएगी आपके कानों से, तो आपका दिमाग कैसे ट्रेन हो सकता है। दूसरी चीज मुझे जो चाहिए आपसे वो है आपका देखना, बिल्कुल 100% टोटैलिटी के साथ हर एक व्यक्ति का दिमाग और ध्यान इस बोर्ड पे होना चाहिए। मैं एक छोटे से वर्ड से शुरुआत करता हूं, पर वर्ड को जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ध्यान रखना इसे दो तरीके से लिखें। पहला वर्ड आप सब कॉपी में लिख लीजिए बच्चों, यहां पर मैंने डाल दिया एक्शंस, और यहां पर मैं आपके सामने डालता हूं ईडम्स। ये दो चीजें जल्दी जल्दी नोट करना शुरू कर दो, एक एक्शंस मैंने डाल दिया यहां पर और एक मैंने यहां पे ईडम्स डाल दिया। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे बेटा, और है ना इंग्लिश का वो लेवल आपका आने वाला है जिसमें आप स्पोकन को बिल्कुल खुल के बोलोगे विदाउट एनी हेजिटेशन, और ये मैं करके रहूंगा। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में डल जाए, यहां पर सब बच्चे इनसे छोड़ के एक और वर्ड लिखवाता हूं, एक वर्ड यहां पे अपनी कॉपी में लिखिएगा, टेक माय वर्ड्स, एक वर्ड लिखिएगा टेक माय वर्ड्स, आपको मेरे साथ बोलना जरूरी है इस बात को, टेक माय वर्ड्स। आपकी सबकी आवाज आएगी, एक बार सब बोल दीजिए, क्या लिखा है मैंने यहां पर, आपको यही काम करना है बच्चों। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस समय, देखो यहां से तो मैं ईमानदारी इनसे बनवा लूंगा, यहां तो मैं इनसे बुलवा दूंगा, पर आपके साथ तो मैं वहां पर नहीं बैठा हूं, तो आपको ऐसा करना है कि जैसे मैं कह दूं एक बार बताना क्या वर्ड है, तो आप तुरंत मुझे बताएंगे जरूर। जैसे मैंने अभी बोर्ड पे क्या लिखा बोल के दिखा दूं, बोल के दिखाओ, टेक माय वर्ड्स। अब इसमें एक बात आपको समझने की जरूरत है, यहां पे बड़े ध्यान से, ये जो शब्द है एग्जाम्स के बच्चों के लिए भी ध्यान रखना है। एक बात आपको मैं दिमाग में डालना चाहता हूं कि ये जो शब्द होता है जिसे हम कहते हैं WORD वर्ड, ये शब्द होता है बच्चों। अब वर्ड का मतलब शब्द है, पर जैसे इसको मैं कहीं ना कहीं एस लगा दूंगा तो ये वर्ड क्या बन गया, वर्ड्स, ये तो एक से ज्यादा शब्द हो गए, यस या नो, आवाज में तो दम नहीं है, वेरी गुड। अब आपने इसने क्या देखा, इसमें क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, वर्ड्स का मतलब होते हैं शब्द,
पर अगर मुझे कहनी है जुबान, तो मुझे जुबान कहने के लिए इसको एक वर्ड लगाना है, केवल क्या बोलना है, वर्ड। तो इससे देखिए क्या बोलेंगे, यहां पर इसे ठीक कर दो, बोल के दिखाओ, टेक माई वर्ड। बहुत बड़े, फिर से बोलो, जब भी मैं कहता हूं मैं जुबान दे रहा हूं, इंग्लिश क्या बोलेगी? आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा कि जुबान दे रहा हूं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जुबान दे रहा हूं, उसे इंग्लिश क्या बोलती है? देखो जितनी बार बोलोगे उतना अच्छा इंग्लिश हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। तो वर्ड हमारे सामने आ गए, टेक माय वर्ड। अब मैंने एक व्यक्ति को पैसे उधार दिए, मैं मौका दूंगा आपको बोलने का, इस मौके को गवाना मत। अब देखिए मैंने क्या हुआ, मैंने एक मित्र है, मैंने उसको पैसे दे रखे थे और पैसे का उसने वादा किया कि अगले महीने दे दूंगा। अब महीने तो दो हो गए, पैसे तो अभी तक नहीं आए। आप सब सुन रहे हैं जो मुझे बड़े ध्यान से देखते रहिए, यहां मैं आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बुलवाने वाला हूं। तो मैंने कहा दो महीने हो गए यार पैसे नहीं दे रहा, मैं उसके घर चला गया। अब जाके मैं कह रहा हूं यार मेरे पैसे थे वो, अब वो क्या कह रहा है, यार हाँ सर थे दो। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे थोड़े ना चलता है, एक महीने का नाम लेके दो दो महीने पैसे नहीं दिए तूने यार। तो उसने कहा सर मंडे। मैंने कहा देख ले मंडे तो मंडे ना, बोले सर जुबान दे रहा हूं। क्या कह रहा है, अब फंस गए ना, ये देखो हिंदी में कह रहे, कोर्स करे इंग्लिश वाला और हिंदी में बोले जुबान दे रहा हूं। अब ऐसे थोड़ी ना चलेगा, जब आपने कहा जुबान दे रहा हूं तो उसे इंग्लिश में बोलो, बोल के दिखा दो। यही तो बात है, मैं जब चीजें सिखाऊंगा तो आपको बोलने का मौका जरूर दूंगा, इस मौके को मत गवा देना। अब एक वर्ड है मेरे सामने, बोलना बड़े ध्यान से सुनना, ये इडम है बच्चों जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, या तो एक्शंस हैं, अभी जो मैं शब्द डिस्कस करूंगा उसमें या तो एक्शन को डिस्कस करूंगा या फिर मैं इडम्स को डिस्कस करूंगा। तो आपको क्या करना है कि एक चीज है, आपको मैं मौका दूंगा, उस मौके को मत गवाना। तो एक छोटा सा वर्ड मेरे सामने आ जाओ, यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, बी ओ ए टी, बॉट। अब बोट तो आप सबने सुनी है, तो वही है जिसमें नदी के अंदर बैठ के चलते हैं। और इस बोट को लेकर मैं देखिए यहां पर एक वर्ड आपके सामने डालो, एक वर्ड को ध्यान देना जरा, यहां पर डोंट मिस द बॉट। एक बार बोल के दिखा दो, वेरी गुड साहब, एक बार फिर बोल दो, डोंट मिस द बॉट। एक छोटा सा वर्ड मैंने आपके दिमाग में डाला है, इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखना, डोंट मिस द बॉट। चलो साबश, एक बार बोलेंगे, बोल के दिखाओ। अब देखो किसी मौके को गवा देना, जीवन में अवसर बहुत मिलते हैं, पर जब हम उस अवसर को गवा देते हैं तो अवसर का गवाना उस इंग्लिश में बोलते हैं मिस द बॉट। बोल के दिखाए, भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी जीवन में गवर्नमेंट जॉब लगने की, मैंने नहीं लगी, वो मेरी चॉइस थी। पर सोचो सोचो वो मौका मुझे मिला, पर क्या वो मौके का मैंने फायदा उठाया? मैंने तो उसको गवा दिया। तो मैंने उस टाइम पे अपने मौके को गवाया, तो क्या बोलेंगे? नहीं, गड़बड़ कर गए, मैंने क्या किया? मौका गवाना क्या होता है? मिस द बॉट। और नहीं करना तो शाबाश, बोल के दिखाइए। एक वर्ड में छोटा सा दिमाग में और डालना चाहता हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना, इस वर्ड को बोलेंगे सर मेक। बोलो बेटा, बोला नहीं आपने, मेक द मोस्ट ऑफ, शाबाश, बोल के दिखा दो। अब ये वर्ड जरा ध्यान से समझ लीजिए, एक इडम होता है इंग्लिश में, एक और इडम आपके सामने डाल रहा हूं, उस इडम को समझ लीजिए सभी। जब हम किसी भी चीज का फायदा उठाते हैं, जब हम किसी भी चीज का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, तो फायदा उठाने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? मेक द मोस्ट ऑफ। एक बार मिस करके खुशी ने नहीं बोला, बोल के दिखा दो बेटा, मेक द, जैसे आप सबके पास टाइम है लॉकडाउन के अंदर, यस या नो? यस है ना? तो इस समय का, अब समय, समय को क्या बोलते हैं? मैंने कहा भी टाइम का क्या करो, टाइम का क्या करो, फायदा उठाना है ना, और किसी भी चीज का फायदा उठाना क्या होता है? शाबाश, पूरे बोलो, मेक द, हाँ तो समय का फायदा उठाओ, पूरा बोलो, मेक द मोस्ट ऑफ। मेरे पास पैसा है, पैसे को क्या बोलते हैं? हाँ जी, मैं पैसे को बर्बाद कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बर्बाद कर रहा हूं, है ना? तो एक छोटा सा वर्ड अपने दिमाग में डालिए, देखिए एक वर्ड बोलेंगे, एस क्यू यू ए एन डी ई आर, बोल के दिखाओ, कर गए ना, फंस गए, इसको ठीक से पढ़ेंगे, स्क्वेंडर, सबश बोलो, किसी भी चीज को बर्बाद करने की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, अब सुनो बड़े ध्यान से, देखो बर्बाद करने के लिए एक वर्ड और है हमारे पास, जिस वर्ड को हमने क्या बोला है, वेस्ट, क्या बोला आपने?
अब देखो, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना होता है। जब हम कोई भी चीज बर्बाद करते हैं तो उसे वेस्ट बोलते हैं। पर ध्यान देना, जब हम बर्बाद करें किसी समय को या फिर बर्बाद करें किसको, पैसे को, आप देखिए दो चीजों के नाम डाल रहा हूं मैं, जब हम बर्बाद करते या तो किसको या फिर किसको, तो पैसे और समय को बर्बाद करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है, इसको वेस्ट ना लगा के आप ये वर्ड यूज करो, बोल के दिखाओ, स्क्वेंडर। समझ बोले, स्क्वेंडर टाइम। बताओ समय बर्बाद करने की इंग्लिश क्या बनी? मिस कर गए भाई, मजा नहीं आया। अब सुनो, जब कोई भी चीज सुन के अच्छी ना लगे तो उसमें एक मेरे साथ बोलना, इट। मिस करके बोलो, इट डज नॉट, इट डज नॉट साउंड गुड, साउंड गुड। कोई भी चीज सुनने में अच्छी नहीं लगी तो क्या बोलेंगे? मजा नहीं आया भाई, इट डज नॉट साउंड गुड। भाई मैंने कहा कि यार वो मेरे पैसे थे तुम्हारे पास, बोले सर पैसे तो मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा ये अच्छी नहीं लगी मुझे बात, मेरे पैसों मुझे कह रहा नहीं दूंगा। अब ऐसा सुन के तो अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते सुन के अच्छा नहीं, इट डज नॉट। हाँ देखो, मिस कर गए, देखो ये मजा नहीं आया सुन के आपकी आवाज को, इकट्ठे आओ आवाज में, इट डज नॉट। शाबाश, बोल के दिखा दो बेटा, इट डज नॉट साउंड गुड। अब मैं पढ़ाए जा रहा हूं, बातों को बोले जा रहा हूं, मैं आप सबसे एक बात यहां पे शेयर करना चाहता हूं बेटा, कि इंग्लिश दो चीजों पर आधारित है। सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए वो है आपकी वोकैबुलरी। अगर आपके वर्ड्स अच्छे नहीं है इंग्लिश में, अगर आपको वर्ड्स की सटीक नॉलेज नहीं है, तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपके पास शब्दों का सही कलेक्शन होना चाहिए। जैसे देखिए, आपको यह पता है कि बर्बाद करने की इंग्लिश वेस्ट होती है, पर जब आपको यह पता है कि अगर बर्बाद पैसा या फिर समय होगा तो उसके लिए अलग से एक शब्द है, अच्छा वर्ड है, वो वर्ड क्या है? स्क्वेंडर। बोल के दिखाए, शाबाश। क्या बोला आपने? तो आगे से कोई पूछे भाई, आगे ऐसे कोई भी पूछे समय बर्बाद करने की इंग्लिश क्या है, तो बोलोगे क्या? स्क्वेंडर। पैसा खराब करना, स्क्वेंडर। तो अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या आपके उसको करने दोगे? मानो अगर आपके परिवार का आपका कोई करीबी है और पैसे को बर्बाद कर रहा है तो क्या आप उसे करने दोगे? नहीं। यस नो? नहीं करने दोगे ना। तो एक काम कर लो, कोई भी व्यक्ति आपको लगे कि भाई कोई काम कर रहा है और वो काम आपको पसंद है, एक बहुत प्यारी बात सिखा रहा हूं इंग्लिश की, दिमाग में डाल लो। सभी बच्चे जो बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं बेटा, बड़ा दम लगा के इसमें क्लास में ये बात ध्यान रखना कि आपको मेरे साथ बोलना है जैसे मेरे परिवार के सदस्य मुझसे बोल रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनो, एक बार मुझे रिवाइज करा दो बेटा, बर्बाद करने की इंग्लिश क्या होती है? नया वर्ड क्या सीखा आपने? स्क्वेंडर। शाबाश, क्या बोला आपने? पैसा बर्बाद करना, हाँ जी, और टाइम बर्बाद करना। स्पीकिंग कोर्स की एक सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली बात, आपको ये नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना कि बात मुझे पता है, आपको ये देखना कि मैंने इसको इतना बोला है क्या कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी अपने आप ही जुबान से निकल पड़ेगा। नॉलेज होना अलग चीज होती है और प्रैक्टिस होना अलग चीज है। एक चीज ध्यान रखना, सब बच्चे मुझे जो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं बेटा, इस कोर्स की एक सबसे पहली बात, स्पोकन का जो कोर्स होता है वो आपकी आम बोलचाल की भाषा से ही निकल के आता है। जब हम डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को बोलेंगे तो वो वही बोलेंगे जो हमारे आसपास घट रहा है, और मैं बोर्ड पे भी सबसे पहले वही चीजें आपको कराने वाला हूं जो आपके आसपास घट रहा है। इसमें दो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा बच्चों। सबसे पहली चीज मैं आपसे शेयर करूंगा आपकी वोकैबुलरी। हर सिचुएशन के लिए हमारे पास शब्द होना बहुत जरूरी है। अब देखो, इन्होंने बच्चों ने बोल दिया जरूरी है, बेटा आप जो बच्चे मुझे देख रहे हैं आप भी सुने, एक छोटा सा वर्ड मेरे साथ बोलेंगे बेटा, सब बच्चे बोलेंगे इट। मिस कर गए बेटा, आगे क्या लिखा है? एक काम करो, इट इज को जोड़ लो जरा, बोल के दिखा दो, इट्स। यानी कि जब भी इट इज को आप इकट्ठा बोलना चाहें तो क्या बोलेगा? वेरी गुड। इट्स के बाद एक छोटा सा वर्ड लिया, क्या लिखा है? वेरी गुड, अ। और आ के बाद क्या ले आएंगे यहां पर? मस्ट। पूरा बोलिए, एक साथ बोल दो बेटा, जब कोई भी चीज सुन के अच्छी ना लगे तो क्या बोलते हैं? फंस गए, देखा मैं क्या पूछ रहा हूं, ये क्या बता रहे हैं? अब देखो, कोई भी चीज अगर हम सुन के कानों को अच्छी नहीं लगती तो हम इसमें एक वर्ड बोलते हैं, मेरे साथ बोलना, इट। बोलेंगे इट डज नॉट साउंड गुड। कोई भी चीज कानों को अच्छी ना लगे तो क्या बोलेंगे बेटा? इट डज नॉट साउंड
आप जो मुझे देख रहे हैं आपको भी बोलना है बेटा, अभी ये बोर्ड पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे अभी पढ़ाना नहीं, बस कानों को ट्रेंड कर रहा हूं। इतना ज्यादा ध्यान से मुझे सुनिए कि आपके कानों में जो भी बात पड़े आपके दिमाग में ऐसा कैसा सेट हो जाए, ऐसा कैसा सेट हो जाए। जैसे एक वर्ड मैंने यहां पे बोला, बोल के दिखाइए, इट्स अ, कुछ भी लगे जरूरी है, कुछ भी लगे क्या है, है। तो जो भी चीज लगे जरूरी है तो क्या बोलेंगे आप, इट्स अ। जैसे आज के समय में इंग्लिश की नॉलेज होना, सुना तो नहीं मैंने, इट्स अ। पैसे का होना, अच्छी वो कैप्स का होना, हाँ जितना बोलो। अब देखो बहुत सारे कहीं पता तो हो गया यार, बार बार बुलवा रहे, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। जितनी बार बोलोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ही लगेगा ना आपके मुंह से एक बात निकलने की जरूरी है, वो हिंदी छोड़ देगा, इंग्लिश में निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? तो एक चीज मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग को ट्रेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई भाषा आएगी कहां से, यहां से आएगी? एवरीबडी यस एंड नो? देखो आपको क्लियर हो तो यस बोलना है, आपको घर पे बैठ के ऐसे मानना है बच्चों, ईमानदारी के साथ घर पे बैठ के ऐसे फील करना जैसे आप क्लास में ही बैठे हो। ईमानदारी ध्यान दिखानी है। एक वर्ड मैं आपके सामने बोलूंगा, बड़े ध्यान से देखना, वर्ड बोले PROBITY, बोल के दिखाओ बेटा, प्रॉबिटी, मिस करके बोलो। क्या आपने हिंदी में एक वर्ड सुना है ईमानदारी? जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, ईमानदारी, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो मैं आपकी प्रॉबिटी पे डाउट नहीं करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि मुझे जो भी बच्चा देख रहा है वो सारे के सारे बच्चे मुझे से फील कर रहे होंगे। ये बात सच है कि मैं अभी उतना अच्छा फील नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे मन में ये भी एक बार चलता रहता है कि जो बच्चे दूर, इतनी दूर बैठ के मुझसे पढ़ रहे हैं, क्या वो एक एक बात को समझ पा रहे हैं? यहां का तो मैं क्लास में आपको बुलवा लूंगा। एक बात और है बच्चों, हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए इस वर्ड का क्या मतलब था सर ने जो बताया। घबराना मत, इस कोर्स में, आज की क्लास में ये शब्द कई बार आएंगे, तो अगर मान लो एक बार चूक भी गए तो दोबारा से फिर मिल जाएगा वर्ड। पर आपको क्या करना है, जब मैं मौका दूं उसको बोलने का तो उस मौके को गवाना मत। अब मुझे एक चीज बता दो जरा, गवाने की इंग्लिश क्या थी मौके को गवाने की? देखो कर गई गड़बड़। आप जो बच्चे मुझे देख भी रहे होंगे, आप भी ये गड़बड़ हो सकता है कि कर गए हो। बेटा बड़े ध्यान से सुन लो, मौके की गवाने की इंग्लिश होती है, बोल के दिखाओ, मिस द बस, मिस द बॉट, समझ, बोल के दिखाओ। और कहते मौका नहीं गवाना तो क्या बोलेंगे? डोंट। आपको मौके का क्या करना है? फायदा उठाना है ना, फायदा उठाना है ना। तो फायदा उठाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक द, सुना नहीं बेटे, किसी भी चीज का फायदा उठाना क्या बोलोगे? मैंने कहा समय का फायदा उठा लो, शाबाश, बोल के दिखा दो। मेरे दोस्त के पास क्या है? पैसा। पैसे को क्या बोला तुमने? वो पैसे को क्या करता है? बर्बाद करने की इंग्लिश याद है ना, क्या बोला आपने? वो पैसे को क्या करता है? स्क्वेंडर मनी। मैंने कहा मत करो, आपने सीखा था ना भाई कोई काम नहीं करना तो क्या लगा दोगे, है ना। तो ऐसे मैंने कहा पैसा बर्बाद मत करो, क्या बोलेंगे? डोंट स्क्वेंडर। मैंने कहा आपका पैसा, उस पैसे का क्या करो? अब देखो ये कह रहे फायदा उठाओ। अब देखो मेरी पत्नी क्या कह रही, फायदा उठाओ। अब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये कह रही फायदा उठाओ, ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदी में ऐसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बड़ा फन सा भी दिखाई दे रहा मुझे। आप सबसे ही बात चलिए, इधर मैं परिवार के बंदों की गलतियां निकाल रहा हूं। अब ये ऐसे, अब मैं तो इंग्लिश में सिखा रहा हूं, मुझे हिंदी में कह रही फायदा उठाओ। इसे कहते करी कराई मेहनत बेकार चली गई। अब मैं एक छोटा सा वर्ड आपके सामने बोलता हूं, बड़े सब बड़े ध्यान से देखना, ऑल, लिख भी लेंगे और बोल देंगे, ऑल, समझ, बोले ऑल, इन, वेन, पूरा बोलिए, ऑल इन। सोचो आप पूरे सुबह से, अब बड़े ध्यान से मेरे एग्जांपल को, मैं मौका दूंगा बोलने का, बोलना जरूर है। आप सुबह से वेट कर रहे थे कि भाई मेरी क्लास आएगी, और 2 बजे आके मैंने मैसेज डाल दिया, मानो कि मैंने कहा यार आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इंटरनेट का, आज क्लास नहीं लगेगा। अब सोच के देखो आपने कितनी प्लानिंग करके बैठे थे, कॉपी लेके बैठे थे, पेन लेके बैठे थे, और एकदम से आपको पता चला आज तो क्लास नहीं लगेगी। तो इतनी सारी प्रिपरेशन की सारी मेहनत क्या हो गई? जब कहते करी कराई मेहनत, बोलो करी कराई मेहनत बर्बाद हो गई। जब कहते करी कराई मेहनत, तो आगे से इंग्लिश में बोल दे और बोल के दिखाओ, ऑल इन,
अब मैंने सोचा था मेरी पत्नी कहेगी मेक द मोस्ट ऑफ मनी, पर उन्होंने क्या किया, फायदा उठाओ। तो उन्होंने मेरी मेहनत क्या कर दी, मैं समझ में नहीं आया। ये हमारी खुशी तो बोलती नहीं, बोल के दिखाओ भाई। आप भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इतना बार आप बुलवाओगे तो ये क्या है। बेटा जितनी बार बोलोगे आपको आएगा ये कोर्स। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ज्यादा ध्यान से सुनोगे उतने ज्यादा शब्द आपके पास होंगे। आने वाले 10 दिन में आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पता होंगे जो आसपास हिंदी में आप खूब बोलते हो जम के, पर उनकी इंग्लिश नहीं पता, अब पता चलेगी। एक पहला वर्ड हमने सीखा, जरा ध्यान से देखो, जुबान की इंग्लिश होती है वर्ड, बोल के दिखाओ। नहीं, जुबान की इंग्लिश क्या होती है, आगे नहीं भागना बेटा, बोल के दिखाओ। जुबान मेरी है तो मैंने कहा भाई साहब जुबान दे रहा हूं, टेक माय बेटा, मौका दे रहा हूं, मौका मत गाओ। मौका गवाने की इंग्लिश क्या पड़ी, मिस द, नहीं गवाना, मौका है, मौके को बोलते चांस, मौके को क्या बोलते चांस। चलो मौके का क्या करो, अब देखो ये गुड़िया कह रही है फायदा उठाओ, कर दी ना मेहनत, हिंदी बोल रही है, मेरी मेहनत क्या हो गई, बोल के दिखाओ बेटे। फायदा उठाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक द, मैंने कहा नहीं मौके का फायदा उठाओ बेटे, टाइम का नहीं, मौका मिल रहा है आपको। जैसे आप सब बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, कितने सारे, अरे वाह 213 बच्चे आप जो मुझे देख रहे हैं, 213 के 213 को एक बात कहता हूं कि जो मौका आपको दे रहा हूं मैं बोलने का, ये मत सोचो क्लास में नहीं बैठे आप, ये सोचो कि क्लास में बैठे हो और करके फील बोलते चले जाओ। मौके को बोलते बोलेंगे बेटा चांस, सब बोलेंगे चांस, चांस का फायदा उठाओ, मेक द मोस्ट ऑफ। आपने क्या देखा, आपके परिवार में एक व्यक्ति है या बच्चा है सुबह से लेकर शाम तक फोन पे लगा रहता है और ऐसी चीजें देखता है जिसमें कोई काम ही नहीं निकल के आना। उनको ये चीज दिलाओ जो दिखाओ जो आज हम बना रहे हैं, इन क्लासेस को बार बार देखो। अब देखो पॉइंट तो समझना है, वो क्या करता है सुबह से लेकर शाम तक ऐसी व्यर्थ की चीजों में टाइम खराब करता रहता है। भाई 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अब आपका फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति को रोक दो और उसको कहो कि समय को क्या मत कर। अब देखो ये मिस करके आप सबको घर पे बैठे सब बच्चे, मेरे वाले परिवार के तो नहीं बोल पाई बात। अब देखो समय बर्बाद करने के लिए, नहीं 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 आगे बढ़ रहे हो, बर्बाद करने की इंग्लिश बताओ। हाँ जी, टाइम को बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, मैंने कहा टाइम को बर्बाद मत करो, डोंट स्पेंडर, और मनी मत करो, छोड़ देंगे बात को। हाँ देखो अभी एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, सब बच्चे बड़े ध्यान से देख लो, इस वर्ड को बोलेंगे बेटा जब भी मुझे लगे ना बस बहुत हुआ अब मुझे और बात नहीं करनी, तो इसे इंग्लिश में बोले लीव, और लीव के बाद मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया इट। अभी मैंने कोर्स शुरू नहीं करा बेटा, अभी तो मैं रिदम में खुद जोड़ रहा हूं और आपको जोड़ रहा हूं कि आप कम से कम ये सीखना शुरू कर दो, थोड़ा सा तैयार हो जाओ कि हाँ हमें बहुत कुछ सीखना है। चलो शाबाश, एक वर्ड बोलो यहाँ पे, बोल के दिखा दो, जब भी कहते छोड़ो तो इंग्लिश क्या बोलेगी, लीव इट। देखो रिदम आना चाहिए, लीव इट, आप कभी सुन रहे जो मुझे रिदम में बोलो लीव इट, वेरी गुड शाबाश, बोल के दिखा दो। अब देखो एक वर्ड आ रहा, जो बच्चे मुझसे बाद में जुड़ते जा रहे हैं बेटा, जो बच्चे लास्ट में जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनको एक बात बताता हूं कि भाषा के अंदर अगर आपको पकड़ बनानी तो 2 चीजों पर काम करना शुरू कर दो, एक आपकी सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छी हो जाए और दूसरा आपका वोकैबुलरी अच्छा हो जाए। अगर ये 2 चीजें आपकी अच्छी हैं, जितने भी शब्द हैं आसपास के सबकी इंग्लिश बताओ और फिर उन शब्दों को यूज करना आता हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति कभी मार खा सकता है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं आपसे बात करता चलूंगा, पढ़ाता चलूंगा, और पढ़ाता भी क्या चलूंगा, जैसे आसपास कुछ अच्छे शब्द मिलते हैं वो पढ़ा दूंगा, और साथ साथ डेली में एक सेंटेंस बोलना भी सिखाऊंगा आपको। अब मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों चीजें इसलिए जरूरी, इनके बिना भाषा नहीं चलेगी। तो कहते हैं ना भाषा को अच्छा बनाने के लिए वोकैब्स की अच्छी समझ होना, देखो ये तो नहीं बोल पा रहे आप, बोलो कुछ भी लगे जरूरी है तो क्या बोलेंगे, जैसे आज के इस टाइम में अच्छी जॉब का होना, सब बच्चे जो सुनने बोलना चाहिए आपको, बोल के दिखा दो। हाँ ये जो सुन रहे थे फोन पे इनको बोल रहा था मैं, इट्स अ, जैसे समाज में एक अच्छी व्यवस्था का होना, अच्छे स्कूल्स का होना। देखो अभी थक गए, इट्स अ मस्ट बोलते, ये थकना ही नहीं होता। अब एक चीज देखो, हर कोई व्यक्ति कहता है सर कैसी इंग्लिश चाहिए, जैसे हिंदी बोलते हो वैसे इंग्लिश चाहिए। अब हिंदी के एक एक शब्द को आपने कितनी हजार बार बोला है, पर इंग्लिश के जब शब्दों की बात आती है तो एकदम कहते हैं तो आ गया, और आने के बाद हम उसे बोलते ही नहीं।
मैंने खूब देखा अपनी मदर के साथ किचन में खड़ा होकर कि चावल बनते कैसे हैं, मुझे नॉलेज है, पर अगर मेरी मदर मुझे कह दे चावल बना दे तो मैं नहीं बना पाऊंगा। मेरी मदर मेरे पिताजी के साथ बाइक पे बैठ के बहुत बार इधर उधर मार्केट में चली जाती हैं, उनको ये तो पता है बाइक चलती कैसे है, पर अगर उनको कोई कह दे बाइक चला दो तो वो चला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आज हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाषा का प्रैक्टिकल ज्ञान तो है ही नहीं। ध्यान रखना, मैं कोर्स अभी शुरू करूंगा, अभी कोर्स शुरू नहीं किया मैंने, पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बच्चों। हमें ये नहीं पता भाषा बनेगी कैसे, फील ही नहीं करना आता। इस चीज को ध्यान रखना, नॉलेज और स्किल्स में बड़ा फर्क है। आपको स्किल्स डेवलप करनी है अपनी स्पोकन की, और उन स्किल्स को जब डेवलप करेंगे तो मुझे दो चीजें आपकी चाहिए, आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए दो चीजें चाहिए बेटा। अब मैं अपने कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं बेटा। सबसे पहली चीज मुझे चाहिए वो है यहां से आपका स्ट्रांग होना। जो जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं और मेरे कमरे ये कमरे में बैठ के आप सब मुझे सुन रहे हैं, मुझे सबसे पहली चीज चाहिए आपका सुनना, लिसनिंग। यहां से टोटैलिटी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को सुनो। और जब हम ध्यान से किसी बात को सुनने होते हैं तो एक वर्ड मेरे साथ, चलो एक वर्ड बोलवाता हूं, पहले वर्ड को बोलेंगे, बट एक वर्ड बोलो, बी, शाबाश बोलो, बी, ऑल, यर्स, शाबाश। कान को क्या बोलते हैं बेटा? ये दोनों कान क्या हो गए? नहीं बेटा, अब एक चीज बताओ, अगर आप इसे ईयर्स पर देखो, ये ठीक से बोलना, हम बोलेंगे ईयर्स, शाबाश बोलेंगे ईयर्स, बी ऑल ईयर्स। जब हम किसी को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपने हिंदी में तो खूब बोला है ध्यान से सुनो, पर आप उसे अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो उसमें क्या बोलेंगे, बोल के दिखाओ, बी ऑल ईयर्स। क्या आपको ध्यान से सुनने की इंग्लिश पता चल गई? बोल के दिखा दो। एक वर्ड मुझे दूसरी, अब एक देखो मुझे दूसरी चीज चाहिए क्या। मैं आपके दिमाग को जब ट्रेंड करना चाहता हूं तो मुझे दो चीजें इसमें चाहिए। एक तो आपका मुझे ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनो, और दूसरी जो चीज मुझे चाहिए वो आपका मुझे ध्यान से देखना। अब सुनते किससे हम? बोल के दिखाओ बेटा। और देखते किससे हम? बोल के दिखाओ। एक वर्ड बोलेंगे बेटा, बी ऑल आईज, शाबाश बोल के दिखा दो, बी ऑल आईज। जब आप किसी भी व्यक्ति को कहते बड़े ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने की इंग्लिश क्या होती है? बोल के दिखाओ, पूरा ध्यान लगा दो, पूरी फोकस के साथ किसी भी चीज को देखना होता है, बी ऑल आईज। और ध्यान से सुनने को बोलते हैं बी ऑल ईयर्स। बोले बेटा, बी ऑल ईयर्स। ध्यान रखना एक बात और, ये जितने भी शब्द आप मेरे साथ बोल रहे हो, ये आज मैंने केवल वर्ड बताए हैं, पर जब मैं सेंटेंस मेकिंग में इनमें लेके आऊंगा तो ये सारे के सारे शब्द आपके काम आने। एक वर्ड अपनी कॉपी में और हिस्सा बना दो बेटा। ध्यान रखना, इडम्स एंड अभी एक्शंस लिखवा रहा हूं कुछ जो आपके आम बोलचाल की भाषा में आते हैं। एक वर्ड मेरे साथ बोलना, इस वर्ड को बड़े ध्यान से मैं लिख देता हूं, पहले मेरे साथ बोले बेटा, इट, बोलते चलो, लिखते चलो, इट, विल, कम, बोले बेटा, कम, इन, हैंडी। अच्छा एक चीज बताओ, हाथ को क्या बोलते हैं? शाबाश बोल के दिखाओ। पर जैसे मैं हैंड के साथ क्या लगा दूंगा? वाई, केवल वाई। अगर हैंड में क्या लगा दूंगा मैं? वाई, बोल के दिखा दो बेटा। तो ये पूरा वर्ड गया हैंडी। शाबाश बोल के दिखाओ। कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्या पहुंचाती है? फायदा। कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्या पहुंचाती है तो उसे हम बोलते हैं हैंडी। जैसे कोर्स कैसा है, आपको फायदा पहुंचाने वाला है ना, हाँ या नहीं? भाई कोर्स फायदा पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा? तो देखो मैंने कैसे, दिस इज, शाबाश बोले, दिस इज अ हैंडी कोर्स, शाबाश बोल के दिखा दो। ऐसे मैंने कहा जो वोकैब्स हैं, जितनी भी वोकैब्स आप पढ़े, वोकैबुलरी आपके काम आएगी। देखिए मैंने वोकैबुलरी के लिए क्या लगा दिया, इट, बोलेंगे इट, विल, कम, इन हैंडी। कोई भी चीज को लेके अगर आप कह दो कि काम आएगा तो कैसे बोलोगे? इट विल कम इन। भाई मान लो मैं टूर पे जा रहा हूं घूमने के लिए दोस्तों के साथ, अब मेरे पिताजी मुझे चलते वक्त कहते प्रदीप ये पैसे पकड़। मैंने कहा जी है मेरे पास। उन्होंने क्या कहा? रख ले, रस्ते में है, देख लो। है भाई बच्चों, आप जो मुझे देख रहे हो, देख रहे हो ये बच्चे क्या करे, काम आएंगे। बेटा जब किसी भी चीज को कहते काम आएंगे तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट विल कम इन। आज ये जो इंग्लिश आप घर पे बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के सीख रहे हैं, आप सब व्यक्ति जो ऑनलाइन भी और ये भी हैं,
ये भविष्य में आगे चल के इंग्लिश आपके क्या आएगी? अब देखो फिर कह रहे काम आएगी, काम आएगी, इंग्लिश में क्या बोलोगे? इट विल कम इन। अगर आप हिंदी में बोल दोगे तो मेरी मेहनत क्या हो जाएगी? ऑल इन। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसके लिए बोलना बहुत, वेरी गुड, इट्स अ मस्ट। तो मैं मौका दे रहा हूं, मौके का क्या करो? मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। को क्या नहीं करना है? नहीं, टाइम को क्या नहीं करना है? अब ये थोड़ी ना, देखो कमाल है, मैंने कभी गलती से मेरा मार्कर यहां चला गया, मैंने टाइम को क्या नहीं करना, बोले डोंट मिस द बस। इतने ज्यादा भुलक्कड़ है, देख लो कितने कमाल के आदमी है सारे। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हो, मेरे परिवार के सदस्य कितना कमाल कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, बर्बाद करने की इंग्लिश क्या होती है? स्क्वेंडर। समय बर्बाद करना तो स्क्वेंडर टाइम। समय बर्बाद ना करें। आप सब जो मुझे देख रहे हो और आप भी परिवार के शक्ति, जिनको मैं मौका दे रहा हूं इंग्लिश सीखने का, बड़ा प्यारा मौका है, शुरू से लेकर चल रहे कोर्स को, एक एक चीज को, एक काम करना, इस कोर्स में ना जो मौका आपको मिला है, इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को, अवसर को बर्बाद मत करना। और अवसर को बर्बाद करना होता है मिस द बॉट, ना करें। खुशी नहीं बोली, बोल के दिखाओ। अब आपके दिमाग को ट्रेन करने मुझे दो चीजें चाहिए, आपको एक चीज चाहिए क्या? ईयर्स, ईयर्स चाहिए ना, और एक क्या चाहिए? अच्छा एक चीज मुझे बता, बड़ा ध्यान से सुनने की इंग्लिश क्या होती है? और ध्यान से देखना, बी ऑल, वेरी गुड। भाई ध्यान से देखो, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर था, मेरा फ्रेंड मुझे कहता है सर मुझे कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है। मैंने कहा चल मैं बता देता हूं उसमें क्या करना होता है। जब मैं उस सॉफ्टवेयर उसको समझा रहा हूं तो इधर उधर वो देख रहा है। मैंने कहा भाई गलती कर रहा है, अगर ये सॉफ्टवेयर सीखना तो ध्यान लगा दे कंप्यूटर में, कुछ भी सीखना तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जब कहते ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, तो क्या बोलेंगे? बी ऑल, ध्यान से सुन लो। अब अगली बात आ जाओ, अब आएगा जी भैया, यहां से आपके बैच की शुरुआत हो गई आज, अब यहां से आएगी। देखना बेटा, सबसे पहली चीज, किसी भी भाषा को उठा लो, किसी भी लैंग्वेज को उठा लो, ये मैं बुलवाऊंगा आपसे, किसी भी लैंग्वेज को उठा लो, हर भाषा का एक नियम है। वो नियम क्या है? पसीने तो दब के आ रहे, मुझे सब देख रहे हैं कि सर इतना पसीना, गर्मी है तो आएगी भी। अब सुनो इसका भी एक वर्ड पढ़ा देता हूं, बड़े ध्यान से पढ़ लो, ये आगे काम आएगा। काम आएगा क्या बोलते हैं? काम आएगा कैसे बोलते हैं? हैंडी नहीं था, पूरा था वो कुछ, वेरी गुड, इट विल कम इन। जब कहते काम आएगा, इंग्लिश क्या बोलेगी? तो ये वर्ड मैं जो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो, पसीने को इंग्लिश में बोलते स्वेट, बोलेंगे बेटा स्वेट, हाँ जी स्वेट, पसीना होता है, पसीने आने को भी स्वेट कहते हैं, पर जब स्वेट बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वेट बकेट्स। इस वर्ड को अच्छे से बोल दो, बोल के दिखाओ, स्वेट बकेट्स। बकेट तो बाल्टी होती है ना, जब ढेर सारा बहुत पसीना आ रहा होता है ना, बड़ा पसीना आता है, तो उसे बोलते हैं स्वेट बकेट्स। बोल के दिखाओ, स्वेट बकेट्स, वेरी गुड। बहुत पसीना आने की इंग्लिश होती है स्वेट बकेट्स। जैसे इस क्लास में जो बैठ के हम सब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे जो आप हमें देख रहे हैं, आप तो सुविधा में बैठे होंगे शायद, पर हम जब इस कमरे में जो बैठे हैं, यहाँ पे बोलने की वजह से बहुत गर्मी बन गई है, पर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्लास तो पूरी पढ़ा के छोड़ूंगा, पर मेरे साथ एक संडे सब बोलना, आप भी बोलना और वो जो सुन रहे हैं आप भी बोलना बेटे, बड़े ध्यान से देखो, बोलेंगे वी आर, बोले बेटा वी आर स्वेटिंग बकेट्स। शाबाश, बोल के दिखा दो। तो एक चीज मुझे बता दो, पसीने की इंग्लिश क्या थी? स्वेट। पसीने आने की इंग्लिश, और बहुत पसीना आने की इंग्लिश, स्वेट बकेट्स। अब सुनो बेटा ध्यान से, जो बच्चे अब मुझे जो लेट भी जुड़े, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी भाषा को उठा लो वर्ल्ड की, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, हर भाषा में दो तरीके के शब्द बनते हैं, हर भाषा में दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से सुन के मुझे बताना, एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें क्या मिलेगा आपको? साबश, बोल दो बेटा, वेरी गुड। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर ये नहीं मिलेगा, इसको मैंने देखी क्या बोला, बोल के दिखा दो। एक एक्शन है तो एक क्या है? अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बताऊं तो एक काम, एक तो एक्शन का मतलब होता है काम, काम वो होते हैं जिसे हम करते हैं,
काम वो होते हैं जिसे हम करते हैं। वेरी गुड, बड़े ध्यान से बोलो। एक संदेश ऐसा होता है जो किससे बनता है, और एक संदेश ऐसा होता है जिसमें क्या नहीं होता, जिन सेंटेंस में काम नहीं होता ऐसे संदेश को बोलते हैं नॉन एक्शन। मैंने अभी बोला था, एक बार फिर बोलते हूं आप सबकी मदद के लिए, काम वो होते हैं जिन्हें हम करते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना रोना सुनना, ये सब काम होते हैं। जिसे हिंदी में हम काम कहते हैं उस इंग्लिश में वर्ब्स भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, Action. एक संदेश आप भाषा में ध्यान देना, आप सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनते रहो जो ऑनलाइन भी है, कि आपके आसपास किसी भी भाषा को उठाओगे तो उस भाषा में दो ही तरीके के संदेश मिलेंगे। एक ऐसा संदेश होगा जिसके अंदर क्या मिलेगा, Action. और एक ऐसा संदेश जिसमें क्या नहीं होगा, नहीं क्या नहीं होगा, Action. तो ऐसे संदेश को क्या बोलते हैं। चलो मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपके सामने कह दिया भाई मैं पढ़ाता हूं, क्या कहा मैंने, भाई मैं पढ़ाता हूं, क्या इसमें कोई काम है, क्या है बताओ, पढ़ा। भाई पढ़ाना एक काम है ना, एवरीबॉडी ऐसे नो, तो क्या इस संदेश में आपको काम मिला, yes, तो ये संदेश कैसा है। Action. अच्छा मैंने कहा मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, no, काम मिला sir. नहीं काम मिला इसमें, no, तो ये कैसा संदेश है। चलो भाई एक बार, मजा नहीं आया इसमें, रिदम नहीं आया, एक बार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा मैं गाड़ी चलाता हूं, क्या संदेश में काम है, yes, तो ये कैसा संदेश है। Action. बस आपको यही बताना है, एक्शन का संदेश है, नॉन एक्शन का संदेश है। एक संदेश और आ जाओ, मैंने कहा भाई यहां पे अगला संदेश देखना बड़े ध्यान से, मैंने कहा मैं ड्राइवर हूं, मैं ड्राइवर हूं, क्या इसमें कोई एक्शन है, no, तो ये कैसा संदेश है, नॉन। बस यही है, इसका मतलब किसी भी भाषा को उठा लो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, उसमें या तो एक संदेश मिलेगा कैसा, या एक संदेश मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर अभी नहीं, आगे चल के। सबसे पहले मैं आपको वो सेंटेंसेस सिखाने शुरू करूंगा जो एक्शन के हैं। जहां तक बात है सेंटेंसेस नॉन एक्शन के सिखाएंगे, पर इसमें अभी टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, देखो कितनी प्यारी बात है। अभी मेरे परिवार के एक सदस्य ने संदेश बोल दिया, आप भी मेरे साथ बोले बेटा, बोल के देना सब बच्चे, एट, आवाज नहीं आई भाई, खुशी की आवाज नहीं आ रही, बोलेंगे ये खुशी सबसे नालायक बच्ची होती जा रही है, इट विल टेक टाइम। अब मुंबई में बैठे, गुजरात में बैठे सभी व्यक्ति को पता चला हमारे घर में खुशी है जो अच्छा बोलती नहीं, आगे ना हो जाए खुशी, ध्यान से बोल के दिखाओ। जब कहते किसी भी चीज में समय लगेगा, जब कहते किसी भी चीज में, उसे इंग्लिश क्या बोलती है। मैंने कहा क्या हमारे देश में से करप्शन निकल जाएगा, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैंने कहा निकल जाएगा पर, हाँ जी, एक व्यक्ति कह रहा सर क्या मुझे इंग्लिश आ जाएगी, मैंने कहा आ जाएगी पर उसमें थोड़ा, इट विल, जब भी कहते किसी चीज में समय लगेगा तो इंग्लिश क्या बोलती है, इट विल टेक। क्लियर हुआ नहीं हुआ, yes, तो नॉन एक्शन के क्या संदेश हम सीखेंगे, यस या नो, पर उसमें अभी क्या लगेगा, पहले कौन से सीखने, एक्शन पता है, yes, जैसे मैंने कहा एक छोटा सा एग्जांपल, मैं खेलता हूं, कैसा संदेश है, हाँ जी, Action. मैंने कहा मैं एक प्लेयर हूं, no, सुना तो नहीं मैंने, ठीक no, है, क्लियर हुआ, yes, अब सबसे पहले हमें किसको सीखना है, Action. देखो बोलने में मिस मत करो, अगर बोल नहीं बोलोगे तो मेहनत क्या हो जाएगी, इस मौका दे रहा हूं, मौके मौके को गवाने की इंग्लिश क्या थी, डोंट मिस द, शाबाश बोल के दिखाओ, मौके की इंग्लिश होती चांस, शाबाश बोलिए, चांस का क्या करें, मेक्स द मोस्ट ऑफ टाइम, है चांस, ये टाइम कह रही है, मेक द मोस्ट ऑफ टाइम है, मेक द मोस्ट ऑफ चांस। अच्छा टाइम, टाइम पता है ना, टाइम, टाइम को बर्बाद करना क्या होता है, करना है नहीं करना है, शाबाश बोल के दिखाइए, भाई बोलना कैसे आएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे गाड़ी चलानी आती, कैसे आई, चला के आई ना, और आप क्या सीखना चाह रहे हो, स्पीकिंग, तो बोलना कैसे आएगा, बोल के आएगा ना, अगर आप बोलना चाहते हो तो उसके लिए बोलना, अगर आप बोलना सीखना चाहते हो तो उसके लिए बोलना, छोड़ते हैं बात को, सबसे पहले हमें कैसे संदेश सीखने बच्चों, एक्शन या नॉन एक्शन, क्या आपको काम पता है क्या होते हैं,
जिन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो सारे क्या हैं? एक्शन है ना। अब सुनो बड़े ध्यान से, गौर देना बेटा, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आसपास की लाइफ में से सारे के सारे एक्शंस को निकालना है। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें एग्जांपल देखूं तो बहुत आसान है बेटा। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हम काम करते हैं, सबसे पहले उन सबकी इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। चलो मैं एक काम दिखाता हूं, हम सबके जीवन का एक छोटा सा काम होता है सुबह सो के जगना। एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा, बोल के दिखाओ, वेक अप। क्या जगना एक काम है? एवरीबॉडी यस नो? तो बस आपको ये ध्यान रखना कि काम की इंग्लिश बताओ। देखो सो के उठने की इंग्लिश क्या होगी बेटा? क्या ये काम है? बहुत बढ़िया सर। अच्छा ऐसे और भी बहुत सारे काम होंगे भाई, और भी बहुत सारे काम। जैसे अपने सुबह को उठा लो, अगर मैं अपने मॉर्निंग में देखूं तो मैं अपने सुबह में कुछ काम है जो हमेशा करता हूं, जैसे एक तो सो के उठने वाला काम हो गया, एक उसी के बाद काम होता है पीने वाला, पानी पीने वाला। अच्छा पानी पीने की, अब पानी की इंग्लिश तो वाटर है, पर जो हम सुबह में पानी पीते हैं, मैं मेरे परिवार में हम सब एक पानी मतलब जो पीते हैं वो लुक वार्म होता है। एक वर्ड है हमारे पास लुक वार्म, लुक वार्म का मतलब निवाया, गुनगुना जैसे बोलते हैं। पानी का क्या इंग्लिश हुआ? देखो मुझे पता है आप सब जानते, फिर भी बुलवाना, बोल के दिखा दो। और पानी अगर गुनगुना है तो क्या बोलेंगे? लुक वार्म। शाबाश। पीने की इंग्लिश होती है बच्चों टेक, नहीं मैं मानता हूं ड्रिंक होती है, पर हम एक नया वर्ड यूज करेंगे टेक। धीरे धीरे आने वाले 2-3 क्लास के बाद इसको चेंज करा दूंगा। तो निवाय पीने की, निवाय पानी पीने की इंग्लिश क्या हो गई? मैंने नहीं सुना आपसे। टेक लुक वार्म। क्या यहां तक क्लियर हुआ? भाई देखो अब मेरे मॉर्निंग के काम देखो बेटा, सबसे पहले मैं अपने जीवन से ही काम निकाल रहा हूं। आपको भी यही करना है, अपने सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम है, अगर आपको इंग्लिश सच में सीखनी है तो एक काम करना शुरू कर दो, अपने सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम है सभी कामों की इंग्लिश के बारे में सोचना शुरू कर दो। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर ये काम करके दिखाना, बड़े ध्यान से एक्टिव होकर काम हो जाए। तो सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते, मैं सुबह के कामों में दिखा रहा हूं, जैसे मेरा एक काम सुबह का उठना है तो दूसरा काम निवाया पानी पीने का है। पानी पीने के बाद मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूं थोड़ी देर के लिए, टहलने वाला। टहलने की इंग्लिश याद कर लो बेटा, बोलेंगे स्ट्रॉल। बेटा बोल के दिखा दो भाई, टहलना जैसे हिंदी में कहते हो उस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे हम पार्क में परिवार के साथ वैसे ही टहलने चले जाए तो वहां क्या करते हैं हम? बहुत बड़े सर, स्ट्रॉल है। इसके बाद जो दूसरा काम मेरा रहता है वो फ्रेश होने वाला है। फ्रेश होने के लिए पहला वर्ड तो यही है, गेट फ्रेश। आप चाहें तो एक वर्ड और लगा सकते हो बेटा, उसमें बोलेंगे सर अटेंट, बोले बेटा अटेंट, नेचर्स कॉल, या फिर अगला वर्ड लगा सकते हो बोलेंगे डिफिकेट। ये 3 वर्ड याद कर लो बेटा, सुबह जो फ्रेश होते हैं हम उसके लिए 3 वर्ड है, या तो गेट फ्रेश लगा दो, या अटेंड नेचर्स कॉल लगा दो, या डिफिकेट लगा दो। जो आपको कंफर्टेबल हो जाए वो लगाओ, जो मन करे वो लगा लो, सबका मतलब फ्रेश होने से है। एवरीबॉडी यस नो? शाबाश शाबाश, क्विक, वेरी गुड। गेट फ्रेश, अटेंड नेचर्स कॉल, डिफिकेट, ये सब इसका मतलब होता है फ्रेश होना। क्विक क्विक शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश शाबाश, क्विक। चलो अब अगली बात आ जाओ। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात, अब आपके दिमाग में एक संडे सीखने का टाइम आ गया, बड़े ध्यान से सुन लो। ऐसे कितने सारे काम हैं जिन्हें हम रोज रूटीन से करते हैं। आज से इंग्लिश में एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी काम ऐसा है जो आपके रूटीन का हिस्सा हो। सुना आपने मेरी बात को, मैंने क्या बोला? कोई भी काम ऐसा जो आपके रूटीन का हिस्सा हो, जिसे आप रोज करते हैं, करना इतना सा उस काम की इंग्लिश ले लो। जैसे उठने वाली इंग्लिश थी वेकअप। और अगर मैं आपसे अपना टाइम शेयर करूं तो जैसे मैंने कहा मैं सुबह 6 AM पे उठता हूं। एक बात बहुत बेसिक से समझ लीजिए कि घड़ी के समय को दिखाने का सबसे अच्छा वर्ड होता है एट। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, सटीक टाइम है, तो उसे एट से दिखाते हैं। तो 6 बजे उठने की इंग्लिश क्या होगी? वेकअप एट 6 AM। अब जरा सोच के देखो, जो टाइम मैंने आपको बताया सुबह 6 बजे का, वो आज का है या रोज का है? बताइए, वो आज का है या रोज का है? डेली ना।
यस या नो? बहुत बढ़िया। क्या ये डेली का काम है मेरा? आज से एक बात ध्यान रखना कि कोई भी काम जिसे आप रूटीन से करते हो उस काम की इंग्लिश लो और सीधा उसमें आई से जोड़ दो। भाई मैं अपने लिए क्या वर्ड लगाऊंगा? आई लगाऊंगा। यस या नो? आप अपने आप को क्या बोलोगे? जो भी काम आप करते हो उसकी फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे लगा दो? बोल के दिखाओ जरा क्या लिखा है। बहुत बढ़िया, फिर से बोलो। अच्छा मुझे बता दो, निवाई पाने की इंग्लिश क्या थी? मैं एक बार फिर बोलो, लुक वार्म। शाबाश। क्या ये पानी मैं पीता हूं? Yes, पीता हूं ना। Yes, पीने की इंग्लिश क्या थी? Drink, हाँ जी। Drink, क्या मैं रोज पीता हूं? Yes, कोई भी काम ऐसा जिसे आप करते हो Daily, कोई भी काम ऐसा जिसे आप करते हो Daily, उस काम की क्या लेनी है और सीधा का सीधा क्या लगा दो? पूरा बोल के दिखा दो बेटा। शाबाश। पूरा बोलो। जैसे एक छोटा सा काम और ले कहते बेटा, जरा ध्यान से सुना मेरे साथ, बोलेंगे सीएस्टा। शाबाश, बोल के दिखाओ। सीएस्टा होती दोपहर की नींद। सीएस्टा क्या होती है? दोपहर की नींद। अच्छा सुनो, दोपहर की नींद लेना होता है टेक सीएस्टा। सुना नहीं मैंने बेटा? अब देखो मैं रूटीन से ही काम करता हूं, दोपहर में थोड़ी देर सो जाता हूं, तो जो दोपहर के सोने वाला काम है कैसे मैं रोज करता हूं? जैसे नो? हाँ जी। सुना नहीं मैंने? देखो मुझे सुना नहीं तो आप क्लियर बोलते रहे। देखो अभी काम करता हूं ना मैं, तो काम की कौन सी फॉर्म लूं? भाई जितनी भी वर्ब्स होती उनकी फॉर्म होती है, जैसे टेक की फॉर्म होती, बोले टेक, टुक, टेकन, तीन फॉर्म होती है ना, उसमें से एक काम क्या गया? पहली फॉर्म क्या है? सुना नहीं बेटे? तो दोपहर में सोने की इंग्लिश नहीं, पूरा बोलो टेक सीएस्टा। मैं सोता हूं कैसे बोल दूं? सुना नहीं? और यू सोता है तो बिल्कुल जैसे आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म होती है। हम आज जो बात करेंगे वो केवल चार व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। वो चार व्यक्ति कौन कौन है जरा ध्यान से देखो। पहला व्यक्ति कौन है? सुना नहीं बेटा? इसे आई नहीं बेटा, वो तो आई तो वो होता है, डर होता है, जैसे किसी ने डंडा मार, आई आई तो वो होता है, ये है आए। सही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, बोलो आए। अगला व्यक्ति है यू, वी, दे। केवल इन चार व्यक्तियों की बात करनी है हमें, एक तो आई की, एक यू की, एक वी की और एक दे। अब सुनो, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आई यू वी दे में लिखे, जब ये व्यक्ति किसी भी काम को रोज करते हैं, इन व्यक्तियों के द्वारा कोई भी काम अगर डेली का मुझे बताना है तो कुछ नहीं करना, उस काम की पहली फॉर्म लोगा ऐसा कैसे लगा दो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और समझ के देखो, एक काम मैं अपने जीवन का दिखा रहा हूं, जैसे बोलते बोलो गो फॉर अ वॉक। शाबाश, पूरा बोल के दिखाओ। अब गो फॉर अ वॉक, क्या वॉक पे जाना कोई काम है? Yes, मैंने तो नहीं सुना। Yes, देखो बोलना कैसे आएगा? बोलने से ना। अगर आप बोलना सीखना चाहते हो तो उसके लिए बोलना बहुत हाँ? नहीं बोलोगे तो मेहनत क्या हो जाएगी? ऑल इन। तो इस मौके को क्या मत करो, डोंट डोंट मिस द मौके की इंग्लिश क्या होती है? नहीं, मौके की इंग्लिश क्या होती है? चांस। मौके का क्या करो? मेक द मोस्ट ऑफ टाइम या चांस? बताओ ये बुद्धू अभी भी पढ़ी है? छोड़ दो बात को, लिव इट। अच्छा एक चीज बताओ, हम अपनी पूरी भाषा में कितने तरीके के सेंटेंस सीखते हैं? दो ना। एक सेंटेंस कैसा होगा? सुना नहीं बेटा? और एक सेंटेंस कैसा होगा? भाई जिसमें काम है वहां पे क्या है वो, और जहां पे काम नहीं है? क्या हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं? कुछ काम ऐसे हैं जो परमानेंट है। अब मैंने कहा मेरा वॉक पे जाने वाला काम क्या है? रोज करता हूं ना, तो कुछ नहीं करना। जो भी काम आप क्या करते हो डेली, उस काम की कौन सी फॉर्म ले लो और आई के साथ ऐसा कैसा जोड़ दो? बोल के दिखाओ। आई गो फॉर अ वॉक नहीं, हम सब जानते, बोल के दिखाओ बेटा। देखो जरा ध्यान से, ये कौन व्यक्ति थे? पहला कौन है? भाई मैं अपनी बात करूं तो क्या बोलूंगा? आपकी, हम सारे, और हमसे अलग जो सारे हैं। भाई बहुत बढ़िया, एक बार फिर बता दो, मजा नहीं आया, एक बार दोबारा से आओ। ये कौन है? और हमसे अलग है जो, क्लियर हो गया नहीं हो गया? Yes, भाई बात है, छोड़ दो। Yes,
जब ये व्यक्ति कोई भी काम रूटीन से करेंगे तो कुछ नहीं करना, उस काम की कौन सी फॉर्म ले लो? ऐसी कैसी लगा दो, और है ना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एक बड़े ध्यान से देखो, दोपहर की नींद को क्या बोलते हैं? सिएस्टा। और दोपहर में सोना टेक अ सिएस्टा, या टेक सिएस्टा ही बोल सकते हो। अब मैं दोपहर में सोता हूं तो कैसे बोलूं? नहीं, हम सब सोते हैं, और यू सोता है तो क्लियर है। जैसी बात समझ में आए तो बोलेंगे गॉट इट, शाबाश, बोल के दिखाओ। क्या सीखा? किसी भी काम की फर्स्ट फॉर्म से हम वो काम दिखा सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में, कि जो काम रूटीन से। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो छोड़ते हैं बात को। क्या बोला आपने? देखो, आपको मेरी बात क्लियर हो जाए तो यस सर मत बोला, बोला करो गॉट इट। क्या बोलेंगे? छोड़ो बात को, लिव इट। क्या बोला आपने? वो बहुत ज्यादा पसीना आने की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, ये तो पता नहीं क्या बोल गई अभी, ये हमारी खुशी पता नहीं क्या बोल गई, ये गड़बड़ है इसका। पसीने को बोलते स्वेट, और बहुत ज्यादा पसीना होता स्वेट बकेट्स। मेरे को बहुत आ रहा है, आई एम स्वेटिंग बकेट्स। पर क्या जरूरी? भाषा जरूरी है, पसीना जरूरी है, भाषा जरूरी। इस पे ध्यान ना देके अपने लैंग्वेज पे देखिए, आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपकी वोकैबुलरी जो जुड़ रही है, इसको देखना है बेटा। यहां पे पसंद और नापसंद आने वाली बात नहीं है, आप सबको भी कह रहा हूं, यहां पे पसंद और नापसंद आने वाली बात नहीं है। यहां पर ये बात है कि एक घंटा हमने जो अभी 45 मिनट बिताई, क्या इस 45 मिनट में क्या आपकी भाषा में कुछ शब्द जुड़े? यस या नो? क्या आपको एक सेंटेंस बोलने का तरीका पता चला? क्या आपको ये पता चला भाषा में कितने तरीके के सेंटेंस हैं? कितने हैं? एक है एक्शन और एक है भाई। जो सेंटेंस में काम दिखे वो कैसा है, और जिस सेंटेंस में काम ना दिखे, छोड़ दो बात को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हंस गए, आगे से ध्यान रखना। एक वर्ड मेरे साथ बोले, बोल के दिखाओ, हियर। सब बोलो हियर, सब बोलेंगे हियर, वी गो, सब पूरा बोल दो। मैंने कहा भाई आगे बढ़ते हो, करे गॉट इट। वही आगे बढ़ते तो गॉट इट कहां से आ गया? गॉट इट का मतलब समझ में आ गया। भाई आप भी ऑनलाइन जो बैठे हो, क्या आप भी ऐसी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत बात है। गॉट इट कैसे है? तो ऐसा नहीं बोलना। जब भी कहते चलो चलते आगे बढ़ते, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हियर वी गो। अब जैसे देखो, खाने का टाइम हो गया, पिताजी का वेट कर रहे, सब बैठे टेबल पे खाने के साथ। जैसे पिताजी आए, हाथ वाथ धो के खाने वाने के लिए बैठे वो, और बैठ के कहते चलो भाई शुरू करते हैं। तो जब कहते चलो शुरू करते, इंग्लिश क्या बोलेगी? आपने देखा हो क्रिकेट के मैचान में, ये बहुत इंग्लिश में बहुत बोलता है। जब क्रिकेट का कोई मैच हो रहा होता है तो सारी टीमें खड़ी हो जाती है भाई, वो पूरी फील्डिंग विल्डिंग सेट होगी, बैटिंग वाला आ गया। अब इधर से क्या होता है, वो एम्पायर कहता है ठीक है जी पहली बॉल डालेंगे, वो इशारा करता है, और जैसे वो इशारा करता है वो बॉलर दौड़ता है डालने के लिए, तो उधर से वो इंग्लिश में बोलने वाला कहता है क्या बोलता है? भाई एक गड़बड़ है। अब एक चीज मुझे बता दो, अगर ये हेयर है तो फिर ये क्या है? भाई हेयर तो बाल होते हैं ना, आपको हेयर नहीं बोलना, आपको बोलना हियर। समझ बोलो हियर, पूरा बोले हियर वी गो। जब कहते चलो चलते शुरू करते कैसे बोलेंगे? हियर वी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आपको लास्ट की एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है मेरे साथ, 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। एक्सरसाइज देखिए क्या है, आपको और मुझे सुबह से शाम तक एक एक करके जितने भी काम, उनकी इंग्लिश को सोचना है। मेरे सुबह से लेकर शाम तक के जो काम है उसकी इंग्लिश आप जरा देखो, आप इन्हें लिख लेना, आपको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि शायद आप भी ऐसे काम करते हो। जैसे मेरा पहला काम होता है सुबह जगने का, बेटा शुरू कर दो, जगने का। दूसरा काम होता है गर्म पानी यानी निवाया पानी पीने का, टेक। सब बच्चे कॉपी में आना चाहिए, आप भी लिखना शुरू करो बेटा यहाँ पर, टेक लुक वार्म वाटर। और इससे अगला काम मेरा होता है जैसे उठना, पानी पीना, फिर मैं टहलने वाला काम करता हूँ, टहलने की इंग्लिश स्ट्रॉल है। फिर उसके बाद मैं सुबह फ्रेश होता हूँ यानी कि गेट फ्रेश। फ्रेश होने के बाद मैं अपने शूज पहनता हूँ, पुट ऑन माई शूज। पहनने की इंग्लिश बेटा पुट ऑन होती है, पहनना होता है पुट ऑन, अकेले पुट का मतलब रखना, और जैसे ऑन लगाऊं तो पहनना। जूते पहनने की इंग्लिश होगी बच्चों पुट ऑन शूज। फिर वॉक पे जाना होता है, गो ऑन भी बोल सकता हूं मैं, गो फॉर भी बोल सकता हूं मैं, और मैं टेक भी बोल सकता हूं अ वॉक। तो देखो वॉक पे जाने की इंग्लिश आपके पास आ गई, गो ऑन, गो फॉर, टेक अ वॉक, गो ऑन अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, और टेक अ वॉक, सबका मतलब वॉक पे जाना होता है।
मैंने अपने सुबह की काम लिखे जल्दी जल्दी करें, फिर मैं बड़ी बढ़िया कसरत करता हूं। जब बहुत अच्छी कसरत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वेट इट आउट, स्वेट इट आउट। जब हम बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया सुबह पसीना निकालने वाली, खूब जम के मेहनत करते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट इट आउट। शाबाश शाबाश, सभी बच्चे हैं ना बेटा, इसको लिखना शुरू करो स्वेट इट आउट। आप ऑनलाइन भी सारे बच्चे लिखना शुरू करेंगे स्वेट इट आउट। नानू ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि वेकअप और गेटअप के बीच में फर्क क्या होता है। बेटा वेकअप का मतलब बिस्तर से, सॉरी वेकअप का मतलब होता है जब हमारी आंखें खुलती हैं तो उसे वेकअप कहते हैं, और जब हम बिस्तर से उठते हैं तो उसे हम गेटअप कहते हैं। तो दोनों में फर्क है। सुबह आंखें खुलती तो वेकअप टाइम होता है, और जब हम बिस्तर छोड़ते हैं तो उसे गेटअप कहते हैं। लिख लिया? जैसे लिख लो तो मुझे बोला रिटर्न, आपने लिखते मुझे बोला रिटर्न। क्लियर है मेरी बात? ये यस सर क्या? गॉट इट। मिस मत करो, देखो ये गड़बड़ हो जाएगा, सारी मेहनत क्या हो जाएगी? ऑल इन वेन। हिमांशु बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा, सारा मैंने कहना 100% टोटलिटी के साथ देखना क्या होता है, पूरा ध्यान लगा दो देखने के लिए। वो क्या बढ़ाता है? बी ऑल आईज। ध्यान से सुनने के लिए क्या था? बी ऑल। क्लास में ध्यान लगाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है तो क्या बोलेंगे? इट्स अ। एक घंटा क्वालिटी वाला टाइम जाना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स आ जाए, भाषा की समझ आ जाए। एक चीज मुझे बता दो, क्या सारे के सारे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं क्या ये एक्शंस हैं? क्या ये काम है? क्या इन्हें मैं रोज करता हूं? कोई भी ऐसा काम जिसे आप क्या करते हैं? सुना नहीं बेटा मैंने? कोई भी काम अगर आप डेली करते हो तो कुछ नहीं करना, उस काम की कौन सी फॉर्म लेनी है? हाँ जी बेटा, क्या मैंने अपने जगने का टाइम बताया था आपको? क्या वो 6 AM था? एवरीबडी ऐसे नो। घड़ी के समय को दिखाने का वर्ड क्या होता है? हाँ जी, गला दुखना चाहिए एक घंटे के बाद, लगना चाहिए आज तो बहुत बोल दिया यार। ये चीज अगर नहीं हुई तो फिर आपने सीखा क्या है? जब तक भाषा के लिए आपने जान नहीं लगाई, कहते हैं दम लगाना होता है। इंग्लिश में एक वर्ड बोले, आज मैं पसीने को लेकर देखो क्या वर्ड बताया। पहला वर्ड पसीने का मैंने बताया था, खूब पसीना निकलना क्या होता है? दबा के पसीना निकलना क्या होता है? स्वेट बकेट्स। समझ? बोली बेटा, मैंने नहीं सुना। और दूसरा वर्ड हमने सीखा था कि मेहनत करना, एक्सरसाइज, दबा के एक्सरसाइज करना क्या होता है? स्वेट इट आउट। सबश बोल के दिखाओ। और किसी चीज के लिए जी जान लगा देना, उसे बोलते हैं स्वेट ब्लड। जब कहते हैं जी जान लगा दो, ये कोर्स तभी बात बनेगी हिमांशु, तभी आएगी बेटा इंग्लिश, जब जी जान लगा देगा। तो जी जान लगाना, तो जी जान लगाने की इंग्लिश बड़ा मेहनत करना, तब के मेहनत करने को बोलते हैं स्वेट ब्लड। सबश बोल के दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश, मैं सभी को देख रहा हूं बेटा, बोल के दिखाएं स्वेट ब्लड। वेरी गुड, ये ही ना बात। स्वेट ब्लड का मतलब जी जान लगा देना होता है, स्वेट ब्लड का मतलब जी जान लगा देना। शाबाश शाबाश, क्विक क्विक क्विक, जल्दी करें, टाइम की कमी है बस, लास्ट की कुछ मिनट बची हैं। एक घंटे का सेशन रखना डेली का, बस इससे ज्यादा का नहीं। काम दूंगा जो करके लाना है, सभी को करना है। अपने काम को अपलोड करें कमेंट्स के अंदर। मैं इसका ग्रुप भी बनाने के सोच रहा हूँ, एक ग्रुप मैं बना दूं जिसमें आप अपनी होमवर्क डाल दो और आप मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ लो। जैसे मेरे परिवार के व्यक्ति का होमवर्क मैं चेक करूंगा तो आपका भी तो चेक करना होगा ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चों, आपका ग्रुप बनाएंगे, उसमें आप इसको डालना जरूर। सुनिए बेटा, मैंने एक छोटा सा बताया, छोटी सी बात सिखाई, शुरू करें। शुरू करें तो क्या बोलेंगे? मैंने नहीं सुना। शाबाश। कोई भी काम ऐसा जिसे आप करते हैं, क्या सुबह सो, भाई सुबह सो, हिमांशु चिल्ला रहा है, चिल्लाने चिल्लाने को बोलते शाउट। बोले बेटा बोलो, चिल्लाए नहीं, डोंट शाउट, क्योंकि सुन के अच्छा नहीं था। इट डस नॉट साउंड गुड। छोड़ दो बात को। हाँ जी बेटा, कोई भी काम ऐसा जो होता है, जैसे सो के उठने की इंग्लिश क्या थी? क्या मैंने टाइम बताया? क्या टाइम है मेरा? क्या ये रोज का है? कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उस काम की ले लें, और ऐसा कैसा बोल दो, बोल के दिखा दो। आई वेक अप एट 6 AM। अब आपको सबको ये करना, ऑनलाइन वाले बच्चों को, कि आपको अपना टाइम देखना है। घर के जितने भी सदस्य हैं, आपको क्या करना है कि आपको अपना टाइम लिखना है यहां पे कि आप कितने बजे उठते हैं। अब देखो एक चीज बताओ, पहला काम तो आपको पता चल गया मेरा, इसके बाद मैं क्या करता हूं भाई? इसके बाद ही तो करता हूं ना। तो एक छोटा सा वर्ड आप इंग्लिश का याद कर लो, बोलेंगे सर देन।
शाबाश बोल के दिखाओ। जब हम कभी भी, बेटा ध्यान से सुन लो, देन होता क्या है, जब कभी भी एक काम के बाद दूसरा काम दिखाते हैं, फिर मैं क्या करता हूं, जैसे देखो पहले मैं उठता हूं, फिर पानी पीता हूं, फिर थोड़ी देर टहलता हूं, फिर फ्रेश होता हूं, तो मैं यहां पे क्या दिखा रहा हूं, एक काम के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब हम एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा ऐसे रूटीन में दिखाते हैं, एक के बाद सिक्वेंस में, तो वहां पर एक वर्ड लगाते हैं, बोलेंगे बेटा देन। तो मैं पानी पीता हूं, लुक वॉर्म, तो क्या बोलूंगा, इसे डेली रूटीन कहते हैं। बच्चों को स्कूल में डेली रूटीन खूब सिखाया जाता, उनको नहीं आता। मैंने अपने जीवन में कॉल सेंटर के लिए जब मैं इंटरव्यू देने गया, तो कन्वर्जेंस कॉल सेंटर के लिए हम जब मैं अपीयर हुआ वहां पर, तो उस इंटरव्यू में से पूछा गया, प्रदीप जी अपने डेली रूटीन को बताइए। तो कौन कहता है डेली रूटीन ऐसे ही है? डेली रूटीन का मतलब भाषा के अंदर जान है। अगर आप जो रोज करते हो उसकी इंग्लिश आपको बोलनी आ गई, तो आपको आगे की भाषा बहुत सरल हो जाएगी। यस नो? तो आपको सबसे पहले अपने डेली रूटीन पे काम करना, कोई भी ऐसा काम जिसे आप डेली करते हो, उस काम की फॉर्म ले लो, टाई लगा दो। पर जब उन्हीं कामों को आप सीक्वेंस में बताना शुरू करो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो एक वर्ड लगा दोगे देन। बोल के दिखाओ बेटा। तो मैंने कहा मैं पहले क्या करता हूं, पूरा पूरा बोलो बेटे, आई वेक अप एट 6 AM, है ना, और फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, आई स्ट्रोल या देन आई स्ट्रोल, फिर मैं क्या करता हूं, कौन सी फॉर्म लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं रोज का काम है मेरा। बोलेंगे गेट फ्रेश, मैं होता हूं आई गेट फ्रेश, पर मैं कहता हूं इस काम के बाद होता हूं तो क्या लगा दूंगा, देन आई गेट, फिर मैं अपने जूते पहनता हूं, देन आई पुट ऑन माय, अच्छा वॉक पे जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो ऑन अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, टेक अ वॉक। भाई मैं रोज जाता हूं तो क्या बोलूंगा, नहीं गो फोर से बना दे, बोल के दिखाओ, वेरी गुड, देन आई, देन आई गो फॉर अ, मैं फिर पसीना निकालता हूं दबके, देन आई स्वेट इट आउट। समझ में आया नहीं आया? yes, क्या सीखने को मिला कि भाषा के अंदर कितने तरीके के सेंटेंस हैं? एक है कैसा action, और एक है action, क्या नॉन एक्शन हमने सीखे हैं अभी? No, सीखे या सीखेंगे? सीखे हैं या सीखेंगे? क्या उसमें भी टाइम लगेगा? इट विल, बेटा सबको बोला, सुनने वालों को बोला, बोले इट विल टेक टाइम, कोई भी टाइम में समय, कोई भी काम में समय लगे, बोले इट विल टेक टाइम। छोड़ दो बात को, है जी बेटा, बोलने प्रैक्टिस करनी है ना, दो तरीके प्रैक्टिस करनी, लिखने वाले भी और क्योंकि बोलना कैसे आएगा, अब देखो कह रहे बोलने से आएगा, आएगा ना बोलने से, ठीक तो करिए एवरीबडी, ऐसे नो। तो अगर इसका मतलब आपको बोलना सीखना, तो उसके लिए बोलना बहुत जरूरी, कह रहा है, ये कह रहा है जरूरी है, अब जरूरी है, इट्स अ मस्ट है। अब ये जरूरी कहेंगे तो मेहनत क्या हो जानी है? हिंदी नहीं बोली, हिंदी बोलते मेहनत क्या हो जाएगी? ऑल इन, बढ़िया इंग्लिश हो जाएगी। इस चीज की क्या दे रहा हूं, जुबान, जुबान की इंग्लिश क्या थी? तो बोले टेक माई वर्ड, ईमानदारी को बोलते प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया, बोल के दिखाओ, मेरी ईमानदारी पे शक मत करो, ऐसे बोलते डोंट, बोले बेटा डोंट, डाउट माउ प्रॉबिटी, सबस बोले डोंट डाउट, ऐसे नहीं बेटा बैठ बैठ के देखना, बैठ बैठ के नहीं देखना, आपको मेरे साथ बोलना डोंट डाउट माय, छोड़ते हैं बात को, हाँ जी बेटा। अच्छा एक चीज मुझे एक लास्ट बता दो, देखो वॉक पे जाने की इंग्लिश क्या थी, बोलना पड़ेगा बेटा वॉक पे जाने की इंग्लिश क्या थी? गो फॉर अ, सब अच्छी बार लास्ट बोलो बेटा, अगर मैं जाता हूं तो कैसे बोलूं? यू जाता है, हम सब जानते हैं, वे सब जाते हैं, अगर कोई भी काम होता है, हाँ अगर कोई भी काम होता है डेली, अगर कोई भी काम होता है और उसको करने वाले कौन है, और है नहीं, बोले आए, जल्दबाजी नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं, पहले बोले आए, यू वी दे, समझ में आया नहीं आया? आए यू वी और दे, अगर ये कोई भी काम डेली रूटीन से करते हैं ये चार व्यक्ति, तो कुछ नहीं करना उस काम की क्या पता होनी चाहिए, इंग्लिश, सबसे पहले उस काम की क्या पता होनी चाहिए। आप जो बच्चे मुझे सुन रहे, देखो परिवार वाले आपका भी ये काम है, सुबह से लेकर शाम तक जितने काम करते हो सबकी इंग्लिश सोचो, जैसे आप घर की महिलाएं हैं,
बर्तन साफ करना, खाना बनाना, खाना पकड़ाना, सफाई करना, झाड़ पोछ करते हैं मकान को, वो उसके लिए कोई वर्ड है? सारे वर्ड्स को सोचो आप इंग्लिश में। जिसकी हिंदी पता है, इंग्लिश नहीं पता, मेरे से पूछो। आप भी कमेंट करके मुझसे पूछना, आप सब बच्चे भी मुझसे कमेंट करके पूछना, मैं इनका जवाब दूंगा। बस करना यही कि इन चीजों पे हमें वर्क करना है बहुत ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहला टारगेट हमारा एक्शंस को सीखना और वो वाले काम जो आपके आसपास घटते हैं। सभी कामों की फिर हमें फॉर्म्स देखनी है, जैसे इंग्लिश में जितने काम होते हैं उनकी एक फॉर्म्स होती है। अभी मैंने वहां पर पहुंचा ही नहीं, मैंने बस इतना सा बताया काम की पहली फॉर्म देख लो। मैंने कुछ काम बताए, कोई भी काम रूटीन से होता है, काम की पहली फॉर्म ले लो और आई के साथ लगा दो। मैंने केवल चार व्यक्तियों के बारे में बात करना सीखा। पहला कौन था? आई, दूसरा यू, तीसरा मी, और हमसे अलग थे। दे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? एवरीबॉडी यस नो? एक लास्ट मुझे बोल के दिखा दो, एक लास्ट मतलब एक रिवाइज करा दो, बड़ा रिवाइज करा दें। जुबान की इंग्लिश क्या होती है? लास्ट सब बच्चे बोले मेरे साथ, बोले जुबान की इंग्लिश क्या होती है? बेटे कहां चले गए? मैंने कहा जुबान की इंग्लिश क्या होती है? मेरी जुबान, मैं जुबान देता हूं, ईमानदारी। हाँ जी बेटा, वर्ड्स में हम जो पहले सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं? और सीख रहे हैं इडम्स। हाँ जी बोलेंगे बेटा। एक चीज, एक इडम मैंने बताया, जैसे अपॉर्चुनिटी को गवा देना होता मिस द बॉट, ना गवाए। एक इडम बताया कि सारी मेहनत करी कराई बेकार हो गई। हाँ जी बेटा, चलो शुरू करते हैं। Here we go. बर्बाद करना तो वेस्ट, पर जब टाइम और पैसा बर्बाद करना तो वर्ड आएगा। टाइम बर्बाद करना, मनी बर्बाद करना नहीं करनी है। डोंट स्पेंड टाइम का क्या करना है? मेक द मोस्ट ऑफ, छोड़ते हैं बात को। कोई भी काम ऐसा जो डेली हो नहीं। सेंटेंस कितने प्रकार के थे? एक और एक no, क्या नॉन एक्शन सीखने शुरू किए? No, सीखेंगे? टाइम yes, लगेगा ना? इट विल, बोल लो, ये बोलना आपके बहुत काम गड़बड़ कर गए तो कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, इट विल कम इन हैंडी। एक बात और है बेटा, यहीं पे सबको कहता हूं, आप सबको एक काम करना है कि क्लास हो जाने के बाद, जैसे YouTube पे तो हमेशा रहेगी, इसको एक बार फिर दोबारा से देखना, इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करना, यह वहां से बहुत मिलेगा आपको। दूसरा क्या करना है, जो भी काम रूटीन से डेली होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चार व्यक्ति के बारे में बात सीखी, आई यू वी दे, आपको बस आज इतना सा काम देता हूं कि अपने आसपास की लाइफ में जितने भी काम जो रोज होते हैं सबकी इंग्लिश आप निकालेंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर yes, है ना? yes, तो आज की क्लास को फिनिश करें। yes, तो देखो मेरे साथ बोला, फ्रॉम माई साइट, पूरा बोले फ्रॉम माई साइट, टुडे टाइम इज ओवर। हाँ जी बोले टाइम इज अप, ओवर की जगह अच्छा लगेगा आप लोग, टाइम इज अप। क्लास इज ओवर, हाँ जी क्लास इज ओवर, टिल टुमारो, बाय। क्लियर हुआ ना? मेहनत करके अब मुझे आप एक मिनट ऑनलाइन वाले बता दो क्या आपको सबको क्लियर हो गया बेटा? टुडे होमवर्क इतना सा है, आज का होमवर्क ये है बच्चों कि आपको पूरे दिन में जो जो काम होते हैं सभी कामों की इंग्लिश देखनी है, सोचनी है। और जो जो काम आप करते हो सुबह में, कितने दिन का कोर्स है योगेश? योगेश ये कोर्स एक बार मैं थोड़ा सा होमवर्क चेक कर लूंगा ना आप सबका, फिर बताता हूं कि कितने समय तक ये कोर्स चलेगा। आज के क्लास का अनुभव कैसा रहा आपका, ये मुझे आप जरूर बताइएगा बेटा, कमेंट में बताइएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे आज जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ये हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, कल से कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, 2 से 3 रूटीन से क्लास रहेगी। वीडियो बीच में कई बार ब्रेक हो जाता है तो उसको दोबारा से जाके बाहर निकल के आप दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ सभी को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड बाय बाय, नाइस टॉकिंग टू यू।